उदयपुर की अम्मा माता थाना पुलिस ने युवक पर जानलेवा हमले करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना 20 मई 2022 की है, जब प्रार्थी रोहित श्रीमाली अपने दोस्तों के साथ अपनी कार में जा रहा था। तभी अचानक से एक सफ़ेद रंग की कार उसकी कार के आगे आके रुकी और कार में बैठे युवकों ने उस पर हमला कर दिया, जिसके दौरान उसे गंभीर चोटें आई। वहां से उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले गए और इलाज कराया, लेकिन इस दौरान उसके कान पर भी गंभीर चोट आई। मामला दर्ज होने पर अम्मा माता थाना पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश शुरू की और आज इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान नरेंद्र सांखला उर्फ कालू, युवराज उर्फ गोलू, मुकेश गारू के रूप में हुई है।